हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोमय रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे डिश शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती और बहुत ही टेस्टी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई स्पेशल उसल पाव की रेसिपी, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और सब लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं मुंबई स्पेशल उसल पाव की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद मटर। इसे मैंने रात में भिगो के रखा था और सुबह इसे बस थोड़ा सा कुकर में 3 से 4 विसल तक इसे पका लिया है। इसके लिए हम लोग एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। उसमें 2 चम्मच के आसपास ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3 से 4 मेरे पास यहाँ पे जो है लहसुन की कलियाँ है, 2 मैंने लौंग लिए हैं और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। अब इस मसाले को हम पीसेंगे और इसी से हमारी उसल बनाएंगे। उसके साथ साथ मेरे पास है यहाँ पे नमक, यह है मेरे पास हल्दी पाउडर, यह है मेरे पास गरम मसाला पाउडर जो कि मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। फिर यहाँ पे मैं एक चटनी भी बनाऊंगी जिस उसल के साथ, जिसे हम लोग सर्व करेंगे। ये मैं गरी से बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कटोरी फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके, 3 हरी मिर्चें, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का काट के लिया है और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। और चटनी को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है राई, जीरा, तेल और पानी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मुंबई स्पेशल उसल पाव बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ये मसाला बना के रेडी कर लेती हूँ। ये मसाले से जो है हमारा स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने एक जार लिया है और इसमें मैं ये सारे चीज़ें ले लूँगी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पीस चुका है। अब हम इसे इस बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला सारा मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने तेल लिया है। इस रेसिपी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि है ना वो ऊपर बहुत अच्छे से दिखता है तेल और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी का। तो चलिए फिर, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और ये जो गर्म मसाला है, ये होममेड गर्म मसाला है, इसे हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। अब हम ये मसाला डाल देंगे इसमें। और इसे बहुत अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से कुक करना है, जिससे कि ये मसाला हमारा जो है वो बहुत अच्छे से पक जाए। क्योंकि हमने इसमें जो प्याज यूज़ किया है वो कच्चा है, प्याज का कच्चापन निकल जाए। तो तब तक हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है और इसके साइड से सारा जब ऑयल छूटने लगे तब तक हमें इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल जो है वो साइड से दिखने लगा है। अब ये जो मसाला मिक्सी में बचा हुआ था थोड़ा, उसमें मैंने पानी ले लिया है और उसको पूरा निकाल के मैं ये पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब इस पानी को डाल के भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी ऊपर बहुत अच्छे से दिखने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लोग डालेंगे ये सफ़ेद मटर जो उबाल के लिए थे। मटर डाल के हमें इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मटर मिक्स हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे गरम पानी। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें गरम पानी का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी सब्ज़ी में गरम पानी डालते हैं ऊपर से, तो उसके ऊपर जो होता है वो ऑयल बहुत अच्छे से फ्लोट करता है और स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है सब्ज़ी का। इसमें पानी डाल के हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एक गिलास पानी मैंने यूज़ किया है। और ये जो मटर है इसे थोड़ा थोड़ा सा हमें ऐसे हाथ से दबाते हुए इसे क्रश करना है, जिससे कि हमारा जो रस्सा है या सब्ज़ी जैसे हम कहते हैं वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पर मटर मैंने थोड़े से क्रश करके ले लिए हैं। अब इस सब्ज़ी को मैं उबलने दूंगी 5 से 6 मिनट। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है और ऊपर से ऑयल में बहुत अच्छे से फ्लोट हो रहा है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपनी चटनी थी इसे भी मैंने पीस लिया है। अब हम चटनी को तड़का करते हैं और अपनी उसल पाव को गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, चटनी को तड़का देने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। राई और जीरा चटकने लगा है। अब ये जो तड़का है हम इस चटनी में डाल देंगे। हमारी चटनी और उसल भी रेडी है। तो अब मैं इसे फटाफट सर्व करती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने मुंबई स्पेशल उसल पाव जो है उसे सर्व कर दिया है चटनी के साथ। तो आइए हम इसे एंजॉय करते हैं। इसे खाते वक्त हमें इसके ऊपर बस ऐसे थोड़ा सा प्याज हरा धनिया लेना है और इसे पाव के साथ या चावल के डोसे के साथ इसे एंजॉय करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।